मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा था, मगर जिसके बाद नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कुछ लोग उतर गए और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी भी हुई। मगर गलत बयानबाजी की वजह से दिल्ली का क्या हाल हो गया किसी ने सोचा नहीं था। आग की लपटों में दिल्ली जलने लगी और इस कदर दंगा हुआ कि नागरिकता संशोधन से ये शुरू हुआ और हिंदू मुस्लिम तक ये दंगा पहुंच गया और बेखौफ दंगाई खुलेआम दिल्ली को जलाते रहे। रात हो या दिन हो, काले धुएं और आग की लपटों से धधकती रही दिल्ली और दंगाई एक के बाद एक मौत के घाट उतारते रहे। 38 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दंगाइयों की पहचान तस्वीरों के जरिए की जा रही है। ये दिल्ली का वो दर्द है जो शायद कभी दिल्ली भूल पाएगी। एक ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गामरी गांव की है, जहां मुस्लिम परिवार छत पर उस वक्त फंस गया जब दंगाइयों ने घर में नीचे से आग लगा दी। आप जो ये इमारत देख रहे हैं, ये घर मुबीन का है जिसमें दंगाइयों ने आग लगा दी है और छत पर पूरा परिवार फंसा हुआ है। एक वक्त उन्हें ऐसा लगा कि आज शायद उनका ये आखिरी दिन होगा और नीचे सड़क पर दंगाइयों का तांडव जारी रहा, आगजनी पत्थरबाजी करते रहे। इस परिवार के लिए ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। पूरा परिवार भले ही घर की छत पर था, मगर उसी घर में नीचे 85 वर्षीय अकबरी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मगर जब छत पर पुलिस को कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने इस मुस्लिम परिवार को बचा लिया, मगर अभी भी दिल्ली में उन लोगों के लिए वो दर्द भूल पाना मुश्किल है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।